हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास पोको एक्स थ्री फ़ोन आया है, वो कम्प्लीटली डेड कंडीशन में। तो आज हमारा सब्सक्राइबर भाई ने मेरे को एक फ़ोन भेजा है, तो उसने मेरे को बताया कि आप इसका वीडियो ज़रूर बनाना। तो चलिए आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चार्जिंग को इन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.1 यहाँ पर ले रहा है। हम यहाँ से बैटरी को रिमूव करते हैं, फिर भी यहाँ पर 0.1 यहाँ पे हमारा स्टेबल है, स्टॉक है। अगर हमने बैटरी निकालने के बाद भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 0.125 ऐसा फ्लैक्चुएसन हो रहा है, तो भी आपको समझना है कि हमारी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग का इश्यू है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा स्टेबल है, बैटरी निकाला तभी स्टेबल है, लगाने के बाद भी हमारा स्टेबल है। तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स कि हमारा सीपीयू का कोई दिक्कत हो। अभी हम यहाँ पर पीसी में इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा पोर्ट शो नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं हमारा बॉल ड्राई सोल्डिंग हो गया है, इसके कारण ऐसा होता है। तो थोड़ी देर हम यहाँ से इसका शील्ड को रिमूव करेंगे, फिर आगे हम आपको सब कुछ समझाएंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसका शील्ड को रिमूव कर दिया है, तो अभी यहाँ से हम इसका ग्लू को कट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमारा SMD क्विक 857 DW प्लस है, तो यहाँ पे 250 हमने टेम्परेचर रखा है और एयर को 2 पे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे हमको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ऊपर ऊपर से इसको ग्लू को कट करना है। टेम्परेचर भी आप थोड़ा बहुत ज़्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप इसका ओपनर चलाओ तो ध्यान रखना है, नीचे की ट्रैक आपकी कटनी नहीं चाहिए। ओपनर आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपकी नीचे की जो ट्रैक है वो स्क्रैच भी हो जाएगी, तो फिर आपको माइक्रो जंपरिंग करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो भी हमारी पेस्ट लगी है उसको हम कट कर रहे हैं। ज़्यादा दबाव नहीं देना है, वरना आपकी ट्रैक 100% टूट जाएगी, कट जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम आराम से करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन अभी वीडियो पे इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसकी वजह से अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये वीडियो फ्रेंड्स शूट करने में, एडिटिंग करने में, वॉइस देने में फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लग जाता है। और सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि इसके ऊपर कोई भी व्यू ना आए तो थोड़ा बहुत तो होता है ऐसा, इसकी वजह से वीडियो पर थोड़ा अपलोड नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा। क्योंकि अपलोड करने अगर यहाँ पे ये फ़ोन हमारे पास आया है रिपेयर के लिए फ्रेंड्स, तो उसमें वीडियो शूट करने में मेरे को टाइम और भी ज़्यादा लगेगा, और डायरेक्टली हम इसको रिपेयर करेंगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अपलोड करता डेली भी करता, लेकिन इस पर वीडियो पर हमारा व्यूज़ सही से आने लगेगा तो फिर हम डेली अपलोड करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। अगर इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो भी हम डेली कोशिश करेंगे, वो टाइम तो कैसे भी करके निकाल लेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। चलिए वो कोई बात नहीं, यहाँ से अभी हम टेम्परेचर रखेंगे फ्रेंड्स 360 और एयर को 2 पे रखेंगे, और इसको 30-35 सेकंड तक इसको अच्छे से हीटअप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओपनर को डालेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है फ्रेंड्स वरना आपकी ट्रैक टूट जाएगी, आपको आराम से ओपनर को चलाना है। देखना है फ्रेंड्स कि हमारा ओपनर आराम से जाना चाहिए और हल्का सा इसको आपको बेंड करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा सीपीयू आराम से रिमूव हो चुका है। वैसा ही सेम कंडीशन फ्रेंड्स आपको यूएफएस में करना है, यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है वरना यूएफएस पे भी आप ट्रैक तोड़ दोगे। तो इस तरीके से अच्छे से आप हीटअप करोगे तो आपका यहाँ से आराम से
यूएफएस भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम इसके क्लीनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सीपीयू यूएफएस दोनों को परफेक्टली रिबोल कर दिया है। और आपको फ्रेंड्स सबसे पहले देखना है कोई भी आपका कंपोनेंट्स मिसिंग वगैरह है या नहीं है, वो एक बार आपको टेस्टिंग कर लेना है, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इतना सा पेस्ट लगा दिया है और सीपीयू की पोजिशन आपको फ्रेंड्स सही से रखनी है, वरना आपका सीपीयू इधर उधर भागने लगेगा। तो पेस्ट भी आप थोड़ा बहुत कम लगाओगे चलेगा। अभी यहाँ पर टेम्परेचर वही 360 एयर 2 पर रखा है और इसको हम अच्छे से पहले हीट अप करेंगे। और सीपीयू ऐसा लगे कि हमारा इधर उधर चलने लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक साइड से आपको अच्छे से हीट अप करना है। उसके बाद हमारा सीपीयू इसकी
सही पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आपको हल्का सा इसको मूवमेंट करना है, ज़्यादा भी मूवमेंट नहीं करवाना है। पेस्ट आपका ज़्यादा रहेगा तो सीपीयू थोड़ा बहुत इधर भागने लगेगा, तो थोड़ा बहुत कम लगाओगे चलेगा। देखिए इस तरीके से हम इसको एक दो बार देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा सीपीयू परफेक्टली लग चुका है, तो हमको पता ही है फ्रेंड्स कि हमारा सीपीयू परफेक्टली लग चुका है। तो अभी हम यहाँ पे पोर्ट वगैरह को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूएफएस को इंस्टॉल कर देंगे। अगर स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको पोर्ट ज़रूर चेक करना है विदाउट यूएफएस को, कि आपका पोर्ट बनना चाहिए, उसके बाद ही आपको यूएफएस को लगाना है, वरना आपको दूसरी बार भी सीपीयू करना ना पड़े, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको यूएफएस को भी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहले प्रॉब्लम था डेट कंडीशन का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर अदरवाइज हमारा कोई यूएफएस में दिक्कत है या फिर हमारे कोई रैम वाली लाइन में प्रॉब्लम है, क्योंकि 0.1 पे हमारा स्टक था इसकी वजह से। तो वेट करेंगे फ्रेंड्स थोड़ी देर, हम इसको अच्छे से हीटअप करेंगे और यूएफएस को हल्का सा मूवमेंट करवाएंगे, फिर देखेंगे। ये वीडियो फ्रेंड्स मैं नहीं बना रहा था, लेकिन हमारा जो सब्सक्राइबर भाई थे जिसने मेरे को फ़ोन सेंड किया हुआ था, और उसने बताया था कि आप वीडियो ज़रूर बनाना इसका, इसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे सीपीयू यूएफएस दोनों को हमने परफेक्टली रिबॉल कर दिया है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारे जो पहले डेट कंडीशन में था प्रॉब्लम, ये सॉल्व हुआ है या फिर अदरवाइज कोई और इश्यू है। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पे रिस्पांस भी अच्छा आने लगेगा, तो फिर मैं एक दो दिन के बाद ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, वो कोई बात नहीं है। क्योंकि ये जो डेड फोन की जो वीडियो होती है ट्रेसिंग वाली, उसमें टाइम बहुत लगता है, और फॉल्ट फाइंड करने में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लोगो आ चुका है, मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे। बात कर रहे थे फ्रेंड्स डेड फोन की जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन मैं भी जो भी वीडियो डालूंगा उसमें मेरे को रिस्पॉन्स आएगा, तो मेरे को जो डेड फोन वाला वीडियो होता है तो उसमें मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो वीडियो व्यूज़ आने लगे हैं हमारे चैनल पे, तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करता इसकी वजह से। क्योंकि हमारा नेक्स्ट दो तीन वीडियो आप देख लेना, कोई भी इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, इसकी वजह से। और भी जो मेहनत वाली वीडियो होती है, टाइम लगता है कोई डेड फोन की ट्रेसिंग की, उसमें टाइम लगता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र से हमारा ये पास ये कुरियर हुआ फ़ोन था, उसने रिक्वेस्ट था कि आप वीडियो ज़रूर बनाना, इसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे MIUI आ चुका है, थोड़ी देर वेट करेंगे कि टच वगैरह सब वर्क कर रहा है या फिर अदरवाइज कोई और इश्यू है। तो टाइम लग सकता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि सीपीयू रिबॉल किया है, तो कभी कभी 2-3 मिनट भी लग सकता है, कभी कभी 1 मिनट में भी ऑन हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, मतलब कि जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।